हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सीखेंगे कंप्यूटर में पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट रेफर्स टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर। तो इस पर हम क्या बना, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ द यूजर टू डिजाइन ए प्रेजेंटेशन। कोई भी यूजर जो इस पर काम करता है वो प्रेजेंटेशन बनाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे कंपनी का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमें कई भी लोगों के बीच में दिखाना होता है, तो उसको बनाते हैं हम प्रेजेंटेशन, ताकि हम उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। ये जो आपका वर्क जो हम काम करते हैं वो मल्टीपल स्लाइड्स पे काम करते हैं। इससे पहले आपने एमएस वर्ड में आपने काम किया था, तो उसके जो पेजेज होते हैं उसको हम बोलते हैं पेज। उसके बाद एक्सेल में जो हमने काम किया था उसको हम बोलते थे सीट, और पावर पॉइंट के जो पेजेज होते हैं इसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। ये जो हमारा प्रेजेंटेशन बनता है मल्टीपल स्लाइड को मिला के बनता है। दिस स्लाइड मे कंटेंट्स। इन सब स्लाइडों पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट, वीडियोज एंड रिलेटेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस। कोई भी फोटो लगाना, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना, कोई भी वीडियो क्लिप्स लगाना एंड रिलेटेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी उस स्लाइड को बनाने के लिए जितने भी कंटेंट्स हमें टाइप करने हो वो हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट। कंप्यूटर में पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे क्लिक स्टार्ट बटन, उसके बाद क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक बटन आपको और दिखाई देगा, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आसानी से पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्ट बटन पर जाएंगे, उसके बाद ये आपका और प्रोग्राम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा माउस से, तो आपको एक और फोल्डर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। ये वर्जन है आपका 2007। इसमें आपका 2010 भी होता है, 13 भी होता है। तो अभी हमारे पास कौन सा है, 2007। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट आपका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इस ये देखिए ये जो पेजेज होते हैं इसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पावर पॉइंट में हम काम कैसे करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको 100% उसका आंसर देंगे। थैंक्स।